ग्रेट नोएडा। कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यूपी में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 टरा रहा है। गाजियाबाद में JN1 वेरिएंट के मामले मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और सभी अस्पतालों को कोविड से जुड़े नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सावधान, फिर लौट आया कोरोना। कोरोना का प्रहार, अलर्ट रहना इस बार। कोरोना के नए वेरिएंट ने दी टेंशन। JN.1 वेरिएंट कितना खतरनाक। अस्पतालों में सभी बंदोबस्त दुरुस्त किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट फिर से चालू हो गए हैं। मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात फिर ना बने, इसके लिए पूरे देश का हेल्थ सिस्टम हरकत में आ गया है। कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसार रहा है। गाजियाबाद में 8 महीने बाद कोरोना की एंट्री। बीजेपी पार्षद कोरोना संक्रमित किए गए, होम क्वारंटीन। एंटीजन और RT-PCR रिपोर्ट आई पॉजिटिव। परिवार के सदस्यों की भी हुई जांच। लंबे समय बाद गाजियाबाद के अंदर कोविड पॉजिटिव मरीज पाया गया है। ऐसे में पूरे गाजियाबाद के अंदर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट घोषित किया गया है। खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट MMG हॉस्पिटल के CMO डॉक्टर मनोज कुमार चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, नया वेरियंट JN1 जो कोविड का सेकेंड वेरिएंट बताया जा रहा है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है, ये बताया गया है। क्या लग रहा है सर, इसको लेकर क्या तैयारियां हॉस्पिटल में की गई हैं? नमस्कार। कोविड को लेकर तैयारी स्टार्ट कर दी गई है, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजन, भीड़ से दूर रहना, निर्देश सबको जारी कर देंगे हर कर्मचारी को। और ओपीडी में पैम्पलेट लगा दी गई जिससे मरीज सजग हो जाए। फीवर हेल्प डेस्क और कोविड हेल्प डेस्क बना दी गई है। तक एक केस कहें कि गाजियाबाद में देखने को मिला है, काफी लंबे समय बाद एक केस पॉजिटिव है। रोजाना सर कितने पेशेंट की जांच की जा रही है कोविड की, अगर गाजियाबाद जिले हॉस्पिटल की बात करें? 60 से 70 के बीच डेली। ये थे हमारे साथ के गाजियाबाद CMS जिला MG हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज कुमार चतुर्वेदी, जिन्होंने बताया कि सभी तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। साथ ही जितने भी मरीज संदिग्ध मिल रहे हैं, चाहे वो बुखार से हो या खांसी जुखाम के हो, उन सब की RT-PCR या एंटीजन जांच कराई जा रही है। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। वही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। अभी हम जो पिछले जो है एक महीने में हमने कोविड मॉकड्रिल अभी की थी, लास्ट मंथ नवंबर में हमने की थी, तो तैयारी हमारी पूरी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की उससे आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। देश में कोरोना के केस एक बार फिर सामने आना शुरू हो गए। नोएडा में हम मौजूद हैं। नोएडा की आप तस्वीर देखिए, लगातार जो टेस्ट कराने वाले लोग हैं वो यहाँ जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं। और आज की बात की जाए तो अभी तक 17 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, कल 11 लोगों के टेस्ट किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और काउंटर नोएडा के जिला अस्पताल सेक्टर 39 में खोला गया है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक कोविड पॉजिटिव केस अभी सामने आया है, आज ही जिनका कल टेस्ट कराया गया था। तमाम सतर्कता बरती जा रही है और जो केस जिनको कोरोना पॉजिटिव आया है उनको 56 साल के आसपास उम्र बताई जा रही है, नोएडा के ही रहने वाले हैं। अब स्वास्थ्य विभाग इस बात का पता लगा रहा है कि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या थी, पिछले दिनों वो कहां पर गए थे, और आने वाले दिनों में तमाम जो केस हैं उनको देखते हुए सतर्कता बढ़ाने के निर्देश देने के साथ साथ जितनी भी CHC PHC हैं उन सब पर टेस्ट बढ़ाने के आदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं। पूरी तरीके से CMO का कहना है कि सभी लोग जागरूक रहें और सतर्कता बरतें ताकि कोरोना से अगर मामले बढ़ते हैं तो लड़ाई लड़ी जा सके। अस्पताल में जल्द ही कोविड के सभी नियमों को लागू करने और कोविड हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना अभी फिलहाल उस स्थिति में नहीं है, लेकिन सरकार प्रशासन उसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर कोरोना को लेकर के आइसोलेशन वार्ड और बेड्स भी रेडी किए गए हैं। ठीक पीछे की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीनिंग के लिए और आइसोलेशन के लिए ये अलग से वार्ड बनाया गया है, और जिससे कि अगर कोई कोरोना संदिग्ध मरीज आता है तो उसको पहले यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए और उसके बाद जो तमाम टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो गुजरने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था है। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये
आप देख सकते हैं कि एक अलग अलग बेड बनाए गए हैं जिसमें ऑक्सीजन की भी पूरी तरह से व्यवस्था है, जिससे कि अगर किसी मरीज में सांस की दिक्कत आती है, किसी भी तरह की कुछ समस्या आती है, तो उसको यहां पर समुचित इलाज दिया जा सके। फिलहाल इसी तरह अलग अलग जिलों में इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ की सिविल अस्पताल की आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि तमाम जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर तरीके से यहां पर नजर आ रही हैं। हमारे साथ इसी अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं और इसके साथ ही साथ ये कोरोना कितना घातक है। सर, अभी क्या आप लोग के अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर के? हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का अगर पेशेंट आता है तो उसको आइसोलेशन में वार्ड रख के और उसके इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हमारा सबसे गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि इसमें सावधानी सबसे बड़ी चीज है कि ये फैले नहीं। उसके लिए वही पुरानी चीजें हैं, हाथ धोना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, और अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत अपने को टेस्ट करा के अगर पॉजिटिव आता है तो आइसोलेट करके रखना है। सबसे जरूरी चीज है कि इसका स्प्रेड ना हो और कम से कम पेशेंट हो। अगर किसी को भी किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसमें अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पूरी तरह से सजग, सतर्क और तैयारी के साथ। नहीं, हमारे पास और भी व्यवस्थाएं हैं, अगर मरीज बढ़ते हैं तो और 10 बेड की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अस्पतालों की बात करें तो इस वक्त राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में इस तरह से तैयारियां ग्राउंड पर दिख रही हैं, और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि मरीज ज्यादा तेजी के साथ बढ़ते हैं तो उस स्थिति में भी बेड बढ़ाने की स्थिति है, और जिससे कि कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध किसी भी तरह के अगर मरीज आते हैं तो उनको समुचित इलाज मिल सके, इसकी पूरी तैयारी फिलहाल अभी ग्राउंड पर नजर आ रही है। जो मुसीबत दिखते नहीं इंसान उसे हमेशा हल्के में लेता है। वायरस दिखता नहीं लेकिन उसे हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है ये पूरी दुनिया देख चुकी है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय सक्रिय हो गया है कि इस बार जोखिम की जरा भी गुंजाइश न रहे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्र की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड पर सभी राज्य अलर्ट रहें, टेस्टिंग बढ़ाएं, मरीजों की निगरानी की जाए, दवा वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखें, 3 महीने में स्वास्थ्य सेवाओं की मॉकड्रिल करें, हृदय सांस फेफड़े के मरीजों पर विशेष ध्यान दे, RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सिक्वेंसिंग हो। सरकार का कहना है कि कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। नए वेरिएंट की रफ्तार बढ़ने के साथ अचानक कोरोना के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। कोविड को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, पूरी समीक्षा हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में कल कुल 5 मरीज थे और सभी मरीज घर पर ही हैं और कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। कि आप स्वयं समीक्षा करो, देखो अस्पतालों में जाकर के, एक भी मरीज नहीं है, सब लोग घर पर हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। तो हम लोग तो ILI और सारी की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। प्रधानाचार्य SIC और नोडल जो कोविड और SRE के हैं उन्होंने पहले से ही हम लोगों ने राउंड लिया था, और उसमें हमारा मैटरनिटी वार्ड है 100 बेड का, उसमें हमने बच्चों के लिए 30 बेड रिजर्व कर लिए थे, और IDH में हमारे 12 बेड रिजर्व पहले से ही हैं, और इसको लेकर के